Hello students, as in the last video we discussed about the Poisson distribution and some problems of the Poisson distribution. Now we continue the topic Poisson distribution with this lecture with some problems which are the problems of the previous year question papers. Okay, the first problem is find the mean and variance of the Poisson distribution with the parameter lambda. Okay, so hume yahan par प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पर हमें दिया है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. हमने मीन और वेरिएंस निकालना है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का विद द पैरामीटर लैम्डा, लैम्डा को पैरामीटर कंसीडर करके. तो जो वहाँ पर हम मीन ले रहे थे, मीन इज़ इक्वल टू एम, तो यहाँ पर हम उसकी जगह पर क्या ले लेंगे, लैम्डा. तो लैम्डा इज़ इन द प्लेस ऑफ एम. ठीक है, नाउ फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हमने पहले कंसीडर किया था, फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी फॉर आर सक्सेस और इट कैन बी रिटन एज पी आर लैम्डा, जहाँ पर लैम्डा मीन या एम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर. वहाँ पर हमने पढ़ा था पी एक्स इक्वल टू आर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एम इंटू एम की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर. तो आर एम को हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पर लैम्डा पैरामीटर से, वेयर आर इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन, दैट इज नंबर ऑफ सक्सेसेस. ठीक है, नाउ द एक्सपेक्टेड वैल्यू विच इज कॉल्ड द मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज मीन इज इक्वल टू समेशन R is equal to 0 to infinity R into P X is equal to R. ठीक है, तो नंबर ऑफ सक्सेस के साथ अगर हम उसकी प्रॉबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका मीन मिल जाएगा और उनको सबको ऐड कर दें नंबर ऑफ सक्सेस के संग. वी हैव डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ R. तो R अगर मैं 0 लेता हूँ, इफ़ R इज इक्वल टू 0, R 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, अगर मैं R की वैल्यू 0 प्लेस करता हूँ देन द फर्स्ट टर्म इज़ 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा. एंड इट कैन बी रिटन एज समेशन R इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी R इंटू P X इज इक्वल टू R. तो R इज इक्वल टू 0 के लिए टर्म 0, तो हमारा जो समेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 1 से स्टार्ट हो जाएगा. और इट कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू समेशन R इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी R इंटू, नाउ पी एक्स आर इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू आर इज इक्वल टू ई की आर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर अपॉन फैक्टोरियल R. तो इसको लिख देंगे ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर R अपॉन फैक्टोरियल R. ठीक है, नाउ सॉल्व इट. इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो ई की पावर माइनस लैम्डा समेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसको समेशन से बाहर ले सकते हैं. समेशन R is equal to 1 to infinity, then it becomes R into lambda. ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, lambda की पावर में माइनस 1 प्लस 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल R को हम लिख सकते हैं R into factorial R माइनस 1, इसीलिए इसकी पावर हमने माइनस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट की. ठीक है, तो इसको फैक्टोरियल R माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं. नाउ R से R कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, एंड दिस टर्म कैन बी रिटन एज ई की पावर माइनस लैम्डा समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लैम्डा की पावर 1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू लैम्डा की पावर आर माइनस 1. तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 1. नाउ लैम्डा इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट दैट इज नॉट डिपेंड ऑन द समेशन आर इज इक्वल टू 1, सो इट बिकम्स लैम्डा इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा को समेशन से बाहर ले लिया. एंड इट इज़ इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लैम्डा की पावर आर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 1.
तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ आर। तो आर की वैल्यू यहाँ शुरू हो रही है 1, 2, 3, 4, तो वैल्यू पुट कर देते हैं ई की पावर माइनस लैम्डा इनटू आर की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो ये जाएगा लैम्डा की पावर 1 - 1 दैट इज़ लैम्डा की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 1 - 1 दैट इज़ फैक्टोरियल 0 प्लस आर की वैल्यू अगर 2 रखते हो तो 2 - 1 1 दैट इज़ लैम्डा की पावर 1 अपॉन 2 - 1 फैक्टोरियल 1 आर की वैल्यू 3 रखते हो तो 3 - 1 2 लैम्डा की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। और इसी तरह से आपको टर्म मिलेंगे एंड दिस कैन बी रिटन एज लैम्डा इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा की पावर 0 - 1 फैक्टोरियल 0 - 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 आगे का टर्म मिलेगा प्लस लैम्डा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। नाउ दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स बराबर होता है 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। तो ई की पावर एक्स का एक्सप्रेशन होता है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो सिमिलरली 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 लैम्डा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इज द एक्सप्रेशन फॉर ई की पावर लैम्डा। सो इट इज़ इक्वल टू लैम्डा इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू दिस एक्सप्रेशन इज़ फॉर ई की पावर लैम्डा। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं लैम्डा इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू ई की पावर लैम्डा। वहाँ पर ई की पावर एक्स का एक्सप्रेशन मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पर ई की पावर एक्स बराबर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। तो वहाँ पर हमारा आ रहा था 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, तो उसको ई की पावर लैम्डा हम लिख सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1 अपॉन ई की पावर लैम्डा, ई की पावर माइनस लैम्डा को लिख सकते हैं 1 अपॉन ई की पावर लैम्डा इंटू ई की पावर लैम्डा विच आर कैंसल्ड, सो दिस बिकम्स लैम्डा। सो द मीन ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर लैम्डा। ठीक है, इसी तरह से हमने वेरियंस को डिफाइन करना है, द वेरियंस ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, लैम्डा के टर्म में। तो हमने पढ़ा है वेरियंस जनरली हम मीन के फॉर्म में जब डिफाइन करते हैं, तो वेरियंस का एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, समेशन आर इज इक्वल टू 0 to infinity। ठीक है, आर स्क्वायर पी एक्स इज इक्वल टू आर माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेरियंस। ठीक है, जहाँ पर यहाँ पर हम वहाँ पर लेते हैं एन स्क्वायर समेशन एक्स माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एन की जगह पर हम ले रहे हैं नंबर ऑफ सक्सेसेस दैट इज आर, आर स्क्वायर पी एक्स आर इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, माइनस मीन का स्क्वायर। नाउ इट बिकम्स, इट इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 0 to infinity आर स्क्वायर पी एक्स इज इक्वल टू आर माइनस मीन। अभी मीन हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का आया था लैम्डा, सो इट इज लैम्डा स्क्वायर। नाउ इट बिकम्स समेशन आर इज इक्वल टू 0 to infinity। यहाँ पर आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस आर प्लस आर, आर स्क्वायर में हमने माइनस आर ऐड कर दिया प्लस आर ऐड कर दिया इंटू पी एक्स इज इक्वल टू आर माइनस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, देन इट बिकम्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 to infinity, इसमें से आर कॉमन लेते हैं इन दो टर्म में से, तो ये बनेगा आर इंटू आर माइनस वन प्लस आर इंटू पी एक्स इज इक्वल टू आर माइनस लैम्डा स्क्वायर। नाउ इट इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 0 to infinity, देन इट इज आर इंटू आर माइनस वन इंटू पी एक्स इज इक्वल टू आर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस टर्म से, प्लस समेशन आर इज इक्वल टू 0 to infinity आर इंटू पी एक्स इज इक्वल टू आर माइनस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, इस टर्म को यहाँ भी मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के अंदर, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह से आ जाएगा।
नाउ इट इज़ इक्वल टू। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें अगर मैं आर के एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करता हूँ फॉर आर इक्वल टू ज़ीरो, तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू ज़ीरो हो गई। तो इट इज़ फर्स्ट टर्म इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। प्लस अगर मैं आर इक्वल टू वन रखता हूँ तो वन माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इट बिकम्स ज़ीरो। तो इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो फॉर आर इज़ इक्वल टू वन। नाउ इट स्टार्ट फ्रॉम आर इक्वल टू टू, तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन आर इज़ इक्वल टू 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 इन्फिनिटी आर इंटू आर माइनस वन इंटू पी एक्स इज इक्वल टू आर। नाउ दिस टर्म इज़, इससे पहले जब हमने मीन निकाला था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो हमने एक्सप्रेशन लिया था आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी आर पी एक्स इज इक्वल टू आर इज़ द मीन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मीन को, एंड द मीन इज़ इक्वल टू लैम्डा, और मीन कितना आया था हमारा लैम्डा, देन प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके फॉर्म में, लैम्डा के फॉर्म में, ठीक है। नाउ अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन बना है इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 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 इन्फिनिटी आर इंटू आर माइनस वन इंटू पी एक्स इज इक्वल टू आर प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर। अब हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन पढ़ा था पॉइसन के लिए, एक्स इक्वल टू आर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। तो प्रोबेबिलिटी को हम फंक्शन को हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन इट इज़ इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 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 इन्फिनिटी आर इंटू आर माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर। सो फिर से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ई की पावर माइनस लैम्डा समेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो बाहर ले सकते हैं, इंटू समेशन आर इज इक्वल टू 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 इन्फिनिटी, ये बना आपका आर इंटू आर माइनस वन इंटू लैम्डा की पावर। अब यहाँ पर आर के संग हम माइनस टू प्लस टू ऐड कर लेते हैं, वहाँ पर माइनस वन प्लस वन ऐड किया था, अपॉन फैक्टोरियल आर को हम लिख सकते हैं आर इंटू आर माइनस वन इंटू फैक्टोरियल आर माइनस टू प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो आर इंटू आर माइनस वन से आर इंटू आर माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, देन इट कैन बी रिटर्न एज ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू समेशन आर इज इक्वल टू 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 इन्फिनिटी लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा की पावर आर माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस टू प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा स्क्वायर भी समेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है, तो इट इज़ ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर बाहर ले लिया, तो अंदर बचेगा आपका समेशन आर इज इक्वल टू 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 इन्फिनिटी लैम्डा की पावर आर माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस टू प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं आर की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर। अब इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ टू के लिए, तो टू माइनस टू जीरो, लैम्डा की पावर जीरो, टू माइनस टू जीरो, तो दैट इज़ लैम्डा की पावर जीरो अपॉन फैक्टोरियल जीरो प्लस थ्री, टू के बाद आएगा थ्री, तो लैम्डा की पावर थ्री माइनस टू इज इक्वल टू वन अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस लैम्डा की पावर टू अपॉन फैक्टोरियल टू। इस तरह से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर। नाउ इट बिकम्स ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर इंटू दिस इज वन, लैम्डा की पावर जीरो वन फैक्टोरियल जीरो वन प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू। अगला टर्म आएगा लैम्डा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री, डिफरेंट वैल्यू के लिए हम इसको फाइंड कर सकते हैं, प्लस एंड सोन प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। नाउ अभी हमने पीछे पढ़ा था ई की पावर एक्स का एक्सप्रेशन, ई की पावर एक्स बराबर था वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एंड सोन। तो ये ई की पावर एक्स का एक्सप्रेशन है, तो सिमिलर एक्सप्रेशन हमें लैम्डा के फॉर्म में यहाँ मिल रहा है, देन इट कैन बी रिप्लेस बाई ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर इंटू दिस इज ई की पावर लैम्डा। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा ई की पावर लैम्डा का प्लस लैम्डा
माइनस लैम्डा स्क्वायर, ए की पावर माइनस लैम्डा से ए की पावर लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, देन इट इज़ इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हुआ, देन इट बिकम्स लैम्डा। सो द वेरियंस इज ऑल्सो इन द टर्म ऑफ द पैरामीटर लैम्डा। तो इस तरह से वेरियंस को भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लैम्डा के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू द अंडर रूट वेरियंस। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है अंडर रूट वेरियंस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने रिप्रेजेंट करना है लैम्डा के टर्म में, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन को लिख सकते हैं अंडर रूट वेरियंस, दैट इज अंडर रूट लैम्डा। ठीक है, तो इस तरह से हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लैम्डा के फॉर्म में, पैरामीटर लैम्डा के फॉर्म में मीन और वेरियंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगली प्रॉब्लम हमारे पास आती है, द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज शो दैट इन ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ यूनिट मीन, शो दैट इन ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ यूनिट मीन द मीन डेविएशन अबाउट द मीन इज 2/e टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने शो करना है कि किसी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिसका यूनिट मीन है, यूनिट मीन का मतलब मीन इज इक्वल टू 1, द मीन डेविएशन अगर हम निकालते हैं अबाउट द मीन, मीन के रिस्पेक्ट में, तो वो 2/e टाइम्स होगा किसके, स्टैंडर्ड डेविएशन के। तो यहाँ पर हमें दिया है गिवन द मीन दैट इज लैम्डा हमारा आया था इज इक्वल टू 1, सो द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा था, सो इट इज़ इक्वल टू ऑल्सो 1। नाउ द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, अब अगर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालते हैं, देन द मीन डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड एज समेशन आर इज इक्वल टू 0 to ∞ मॉड आर माइनस लैम्डा इंटू पी एक्स इज इक्वल टू आर। ठीक है, वहाँ पर हम निकालते हैं एक्स माइनस एक्स बार, मॉड एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन करते हैं ना, मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन इज इक्वल टू अबाउट द मीन इज इक्वल टू समेशन मॉड एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, डेविएशन का मीन यानी मीन डेविएशन। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी से उसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इट बिकम्स समेशन आर इज इक्वल टू 0 to ∞ मॉड आर माइनस 1, लैम्डा इज इक्वल टू 1, मीन हमें 1 दिया है, और इसको हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल, r इज द प्रोबेबिलिटी फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नाउ इट बिकम्स इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 to ∞ मॉड r माइनस 1 इंटू e की पावर माइनस 1, 1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें दिया है कि लैम्डा का कितना है मीन 1 है। सो इट बिकम्स समेशन r इज इक्वल टू 0 to ∞ मॉड r माइनस 1 इंटू 1 की पावर r इज इक्वल टू 1 ही होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल r। ठीक है, नाउ e की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/e, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/e इंटू समेशन r इज इक्वल टू 0 to ∞ मॉड r माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल r। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करते हैं r के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, तो 1/e इंटू, इसको अगर तुम एक्सपेंड करोगे तो r की वैल्यू 0 रखोगे, 0 की वैल्यू 0, माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो मॉड माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 0, प्लस 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 2 रखोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, प्लस 3 रखोगे तो आएगा 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ इट इज़ इक्वल टू 1/e इंटू 1, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, 0 हट जाएगा, प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, प्लस 2 को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, 4 को हम लिख सकते हैं 3 को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन। इसको अब थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/e इंटू
वन प्लस, इसको लिख सकते हैं टू अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, प्लस इसको लिख सकते हैं थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री, प्लस फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल फोर, प्लस एंड सो ऑन. देन इट इज़ इक्वल टू वन अपॉन ई इंटू वन प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल टू इज ऑल्सो इक्वल टू टू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, प्लस थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री को लिख सकते हैं थ्री इंटू वन अपॉन फैक्टोरियल टू, ठीक है, माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री, प्लस फोर को फोर अपॉन, इसको लिख सकते हैं फोर इंटू फैक्टोरियल थ्री माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल फोर एंड सो ऑन. ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. टू से टू कैंसिल हो जाएगा, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा. तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा हमारा आगे बढ़ के, ये आ जाएगा वन अपॉन ई इज इक्वल टू वन अपॉन ई इंटू वन प्लस वन. ठीक है, ये आ जाएगा वन अपॉन ई इंटू वन प्लस वन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री. ये आ जाएगा वन प्लस वन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री, एंड सिमिलर टर्म्स आर अकर, और इसी तरह के सिमिलर टर्म हमको आगे मिल जाएंगे. देन इट इज़ इक्वल टू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस माइनस प्लस, आगे के टर्म सारे कैंसिल हो जाएंगे. देन इट इज़ वन अपॉन ई इंटू टू, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, तो इसको हम लिख सकते हैं टू अपॉन ई इंटू वन. ठीक है, नाउ द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा एंड लैम्डा इज इक्वल टू वन, सो इट बिकम्स वन, अंडर रूट वन इज इक्वल टू वन. तो वन को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में, देन इट बिकम्स टू अपॉन ई इंटू द स्टैंडर्ड डेविएशन. तो दैट इज़ द मीन डेविएशन इज टू अपॉन ई टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन. सो द मीन डेविएशन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ यूनिट मीन इज टू अपॉन ई टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जिसका यूनिट मीन है उसका मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का टू अपॉन ई टाइम्स होगा. ठीक है.